ये हूँ मैं ट्राइंग टू मेक अ वर्किंग किलर रोबोट इन लॉयल एसएमबी ताकि मैं मेरे एनिमीज का पूरा बेस उड़ा सकूं। पर ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ एक रिवेंज लेने के लिए। सो लॉयल एसएमबी जो कि पीसफुल एक भी एंगल से नहीं है, क्योंकि एक वॉर में एक गैंग वॉर में हमारी टीम यानी बुल्स गैंग को मिला एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धोखा। सो ये बात है कुछ टाइम पहले की, जब से चैड गैंग ने सारे एसएमपी मेंबर्स के नाक में दम करना शुरू कर दिया था। चैड गैंग हर एक एसएमपी मेंबर को मार रहे थे, बट लकीली तब मैं सर्वर में नहीं था। जब ये बात सर से ऊपर निकल गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग करेंगे एक गैंग वॉर। उस गैंग वॉर में हमारे साइड से लड़ने के लिए हम लोगों ने हायर किया था एक डेडलीएस्ट असासिन सैनपाई स्पाइडर को, जो कि आके जाके हमें धोखा दे देता है और मेरे को और वॉल्ट गेमिंग को लॉयल एसएमपी से बैन कर देता है। और ऐसे सेनपाई मेरे को मार के बैन कर देता है। सो लॉयल एसएमपी के अंदर मैं पूरे 3-4 दिन तक बैन था, जिससे मेरी वीडियोस नहीं आ सकी। बट फाइनली अब टाइम आ चुका था लॉयल एसएमपी के अंदर वापस अपने कदम रखने का। ओके गाइस, टाइम फॉर द मोमेंट, लेट्स सी कि मैं ज्वाइन कर पाता हूं कि नहीं लॉयल एसएमपी के अंदर। एंड ये मैंने दबाया ज्वाइन सर्वर पे बटन, लेट्स गो। देखो यहां पे जहां पे मैं मरा था, यहाँ पे हूँ मैं, लेट्स गो। तो बेसिकली गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत सारे हर्ट्स क्राफ्ट कर रखे हैं जो कि रेसिपी से ही करे थे मैंने। तो ये जो हर्ट्स अभी इस वक्त आप लोगों ने मेरे एंडर चेस्ट के अंदर देखे, वो हर्ट्स मेरे पास कैसे आए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा टाइम पीछे, जब मैं लॉयल एसएमपी के अंदर बैन नहीं हुआ था और ये वॉर भी नहीं हुई थी। स्टार्ट के अंदर हर्ट्स क्राफ्ट करने की रेसिपी कुछ ज्यादा भी इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हमें लगता है नेदर स्टार और बहुत सारे टोटम ऑफ अंडाइंग, जिसको पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। पर क्या करे, पैसों की कमी थोड़ी है। यानी कि मेरे पास लॉयल एसएमपी के अंदर टोटम्स तो बहुत सारे थे पर नेदर स्टार भी नहीं। और नेदर स्टार को पाने के लिए हमें मारना पड़ता है माइनक्राफ्ट के एक बॉस विदर को। विदर को मारने के लिए हमें लगेंगे स्केलेटन स्कल्स, वो भी विदर स्केलेटन स्कल्स, जिसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा एक फोर्ट्रेस। और उसके अंदर भी तुम्हें स्कल मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि लूटिंग होते हुए भी तुम्हें स्कल मिलने के चांसेस कुछ इतने हैं। यस, यानी कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट लकीली मेरे को मेहनत करनी नहीं पड़ती। ओ भाई, यहाँ पे आई गेस किसी ने पहले से विदर स्केलेटन का फार्म बना रखा है। और व्हाट ब्रो, या ये वही फार्म है, ये वर्क करता है? एक सेकंड ब्रो, गोलम तो है, आई गेस वर्क करता होगा ये फार्म। पता है, नीचे जाके देखते हैं कहाँ से जाते हैं भाई फार्म में। जाते कहाँ से है भाई फार्म में, इधर से जाते हैं क्या ब्रो? वर्क कैसे करता है मतलब? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ये फार्म एक तो कैसे वर्क करता है ये भी नहीं पता मेरे को। देखते हैं, थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करते हैं। ब्रो यहाँ पे तो है, यस ये रही ये रही। आई गेस यहाँ पे चेस्ट वगैरह होगी, लेट्स चेक यहाँ पे क्या है। ब्रो इतना सारा विदर स्केलेटन स्कल्स, 3 stack तो मेरे को यहाँ से मिल गया। ब्रो 4 stack विदर स्केलेटन स्कल्स, अब तो इतने सारे विदर स्पॉन कर पाऊंगा कि भाई किसी ने सोची ना होगी। ब्रो ये जिसका भी फार्म था ना, उसको लगा कि ये वर्क नहीं किया होगा, बट एक्चुअली ये फार्म एंड में वर्क किया है, लेट्स गो। भाई मेरे को फार्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना मैं एक्चुअली अभी जस्ट फार्म बनाने ही जा रहा था। मेरे को सोल सैंड लेना है, राइट? ओके, तो ये यहाँ पे बहुत सारा सोल सैंड निकालते हैं, जितना हो सके उतना सारा सोल सैंड निकालता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, मेरा तो हो गया, इतनी मिली मेरे को तो, लेट्स गो। कितनी है, ऑलमोस्ट 2 stack हो गई मेरे पास सोल सैंड, लेट्स गो। ओवरवर्ल्ड चलते हैं, चलो दोस्तों विदर स्पॉन करते हैं एंड लेट्स गो, नीचे चलते हैं अपन, ठीक है। तो अभी हम लोग कन्वर्ट करने वाले इस पूरे के पूरे रूम को ऑब्सीडियन के अंदर। 1 2 3 बूम। सो लेट्स गो दोस्तों, अभी टाइम है विदर को समन करने का। 1 2 3 आते ही इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन। ब्रो ये ऑक्सीजन तोड़ सकता है, मैंने डाला ही क्यों भाई, स्ट्रेंथ का पोशन काम कर रहा है। ब्रो लेट्स गो, मैंने इतने सारे विदर्स को मारने के बाद फाइनली इतने सारे नेदराइट स्टार ग्राइंड करके रख लिए हैं। एंड अब बारी आती है डायमंड माइनिंग की।
तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने फाइनली इतनी ज्यादा घंटों की माइनिंग के बाद इतने सारे डायमंड्स कलेक्ट कर रखे हैं, आई मीन इतने ज्यादा स्टैक। तो सारा का सारा सामान जो कि हार्ट बनाने के लिए अपन को लगने वाला है वो सारा अभी मेरे पास आ चुका है। ओके तो अब यहाँ पे मैं हार्ट बना सकता हूँ, लेट्स। तो गाइस मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे रिसोर्सेज जा चुके हैं और बट फाइनली मैंने यहाँ पे हार्ट्स क्राफ्ट कर लिए। आपको मैं दिखाता हूँ मैंने कितने क्राफ्ट किए। सो लेट्स गो गाइस, मेरे सारे टोटम्स चले गए बट मैंने पता है कितने क्राफ्ट किए हैं, 42 हार्ट्स। इतनी खुशी, लेट्स गो बेबी। यानी कि मेरे पास आ चुके हैं मैक्सिमम हार्ट्स। तो यह एक मेन चीज जो आपको मैं बताना तो भूल ही गया कि मैंने बैन होने से पहले बना रखा था लॉयल एसएमपी के अंदर एक सबसे सीक्रेट और इलीगल माइनक्राफ्ट बंकर, और उस बंकर के अंदर मेरी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर्ड है जो कि मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ अपने इस नेदर वाले बंकर के अंदर अनबैन होने के बाद। भाई ये सारी तैयारी मैंने तब की थी जब मैं इस सर्वर में बैन नहीं हुआ था, और ये सारी तैयारी मैंने बेसिकली एंड वॉर के लिए की थी, पर मेरे को नहीं पता था कि मेरे को इन सब चीजों का यूज इनसे रिवेंज लेने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मैक्स्ड आउट क्रॉसबो बना रखे जिसकी एंचेंटमेंट्स कुछ ज्यादा ही तगड़ी है, यानी कि मेरे पास जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वॉर के लिए वो सारी इस वक्त मौजूद है। तो अभी बारी थी चैट गैंग से रिवेंज लेने की, बट उसके लिए मेरे को उनके करंट बेस के लोकेशन चाहिए होगा। बट मेरे को उनका लोकेशन कैसे मिलेगा क्योंकि माइनक्राफ्ट तो इनफाइनाइट है, वो तो वर्ल्ड जनरेट करता ही रहता है। अब ऐसे में उनका बेस ढूंढना लिटरली इम्पॉसिबल था, तो उनके बेस के कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए मैं जाता हूं उनके ही एक गैंग मेंबर के पास। मेरे को तुम्हारे मेन बेस के, जो अभी तुम्हारा परमानेंट बेस है, ठीक है, कोई टेंपरेरी बेस नहीं चाहिए, जो परमानेंट बेस है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए मेरे को। ओके एक सेकंड ना, मेरे को सोचने दे, सोच के आता हूं मैं। तो मैंने सोचा है तेरे को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। क्या है, क्या उस ट्रीटी में? अरे अब ये सब तुमको जानना है, बड़े तेज हो रहे हो, तुमको सब जानना है भाई, तुमको बस साइन करना है उसको। तो मैं इतना भी नूब नहीं हूँ कि मैं इतनी आसानी से इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूँ, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रैप, कोई बहुत बड़ी चालाकी भी हो सकती है। पर मेरा टारगेट तो यही था कि मेरे को चैट गैंग के बेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हियर तेरा ट्रीटी बन चुका है, साइन इट। नाम लिखते हैं, साइन एंड क्लोज, हियर यू गो, थैंक यू। तो उसके बाद जब मेरे को सिद्धार्थ ने उनके बेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे, तो मैं डिसाइड करता हूँ एक दिन रात को आके, जिस दिन कोई भी ऑनलाइन नहीं है, और उस कोऑर्डिनेट्स पे जाके देखते कि क्या एक्चुअली वहाँ पे कोई बेस एग्जिस्ट करता है या फिर मेरे को वो उल्लू बना रहा है। okay, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि उन कॉर्ड्स पे एक्चुअली में कोई बेस एग्जिस्ट करता है या फिर मेरा यहाँ पे फुद्दू कटने वाला है, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके मे बी यहाँ पे कोई बेस है या फिर नहीं, बिकॉज मैं इस विलेज के आसपास ही घूम रहा हूँ जहाँ पे एक्चुअली में एक बेस होना चाहिए। वेट, यहाँ पे एक रुइंड पोर्टल है, इधर कुछ मिलेगा क्या? अगर यहाँ पे बेस होता तो ये ओल्ड ब्लॉक यहाँ पे क्या करता? मे बी यहाँ पे कोई बेस होना तो चाहिए, बिकॉज गॉड्स इसके आसपास ही। ब्रो वेट 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 वेट, क्या ये वॉल्स है इतनी बड़ी बड़ी? ये क्या है भाई? ये है ना बेस? बेस तो यही लग रहा है, चलते हैं एक बार। पूरा माउंटेन को काट कूट के बनाया है ये बेस पूरा। वेट 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 वेट, ऐसी तो क्या जगह है भाई ये? सिद्धार्थ भाई ने अपना बेस कुर्बान कर दिया इसके लिए। वाव, 11 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स भाई, इतने सारे नॉच एप्पल्स पड़े हैं यहाँ पे। आई हैव 35 नॉच एप्पल्स भाई, स्ट्रेंथ के पोशंस ब्रो। लेट्स गो, हाइस्ट सक्सेसफुल, लेट्स गो। बट ब्रो वेट, इनका कोई बंकर नहीं है क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो मेरे को कुछ भी बंकर टाइप दिख नहीं रहा है। तो भी मेन बात तो ये कि मेरे को उनका बेस तो मिल गया पर सीक्रेट बेस नहीं मिला, समझ रहे हो गाइस? सो मैं ऑन करता हूँ रिप्ले और रिप्ले में तलाशता हूँ कि कहाँ पे है उनका बेस। ओके तो मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया है, एक काम करते हैं अभी चलते हैं और देखते हैं कि इस रिप्ले फाइल में क्या क्या कैप्चर हुआ है। अब ये पता लगाना है कि बंकर है या फिर नहीं। ब्रो यहाँ पे बंकर है, ये बंकर नीचे जाते हुए जाता है सीधा यहाँ पे, और PSD1 भाई, PSD1 बंकर के अंदर है। ओके यहाँ पे नेदर वॉट्स, सारे के सारे मैक्स्ड आउट आर्मर्स है, चेस्ट्स है, और नीचे क्या है, इतने सारे विलेजर्स। ओके PSD1 खेल रहा है, तो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, इनविजिबिलिटी का पोशन यूज करना पड़ेगा ताकि मेरे लिए कोई भी खतरा ना हो, ठीक है। चलो गाइस PSD1 को VC बुलाते हैं ताकि उन्हें सब नॉर्मल लगे। हेलो PSD1, कब हुए अनबैन, कब हुए? बस अभी कुछ टाइम पहले, वो आसान भाई ने किया है अनबैन। क्या कर रहे हो आप वैसे? मैं थोड़ा काम कर रहा था यार अपना, बेस पे आया था। अच्छा बेस है आपका? सब कुछ है अपने पास। इधर है बेस, वो भी बता दो क्या आप? हमें बुलाओ कभी बेस पे, खातिरदारी करो। हाँ करेंगे करेंगे, कभी बुलाऊंगा। बैकअप का सामान है आपके पास? हाँ है। कौन सा, किस टाइप का बैकअप? हर एक चीज का बैकअप। चलने का आवाज आ रहा है मेरे को। चलने का मतलब मॉब है क्या? हो कहाँ पे, स्पॉन पे हो क्या? सभी में बहुत बड़े खतरे में था, PSD1 मेरे सामने था, और एक छोटी सी गलती भी मेरे को बैन करवा सकती थी। तो अभी मैं वेट कर रहा था कि कब PSD1 गेम लीव करेगा। पर वो लीव क्यों करेगा, वो तो ग्राइंड कर रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से लीव करने वाला। कर दिया, वो ज्वाइन कर सकते, कुछ कह नहीं सकते।
देखते हैं इनके आर्मर में क्या लगा हुआ है भाई। प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग, रेस्पिरेशन, बाप रे मैक्सड आउट चीजें रख रहे हैं यार ये तो। यहाँ पे एक बार वापस आएंगे गाइस, अभी के लिए चलते हैं। मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा माहौल थोड़ा, है ना। एक बार तो बैन हो रखे, वापस से मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है। सो मेरे को इनका बेस तो मिल गया था, बट मेरे पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं था, तो मैं सोचता हूँ एक एस्केप रूट बनाते हैं और फिर से चोरी करने जाते हैं। फटाफट से करना पड़ेगा गाइस, मेरे को सब कुछ लूटने का है इनका। ओके, आर्मर आया मेरे पास, 2 स्टैक आर्मर निकाल लेते हैं, इनके सारे टोटम निकालेंगे भाई। इतने सारे टोटम है भाई इनके पास, क्या कर रहे हैं इतने टोटम्स। टूल्स भी रख लेते हैं, ठीक है। नेदराइट ब्लॉक्स ब्रो, व्हाट एंशिएंट डेब्रिस और डायमंड्स, लेट्स गो भाई। कितना माल है इनके पास, कितना माल है भाई, थोड़ा हमें दे दो यार। लेट्स गो, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है गाइस, निकल लेते हैं, ठीक है। चोरी सक्सेसफुल गाइस, चोरी सक्सेसफुल। सो वेल गाइस, यहाँ पे मैं उनका बेस उड़ाने के लिए बनाने वाला हूँ एक जायंट रोबोट माइनक्राफ्ट के अंदर, जो कि लॉन्च करेगा भाई बहुत सारे TNTs एक साथ, जिससे कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो बेसिकली ये है मेरा एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें टेस्ट किया, लाइक बहुत सारे ड्यूपल्स टेस्ट किए और बहुत सारी अलग अलग मशीन टेस्ट किए, और फाइनली मेरे को मेरी मशीन मिल चुकी है। सो नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड इट इन लॉयल SMP। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लॉयल SMP के अंदर बना दिया एक बहुत ही बड़ा रोबोट, और उसके आस पास मैंने बना दिया TNT शॉटगन मशीन। एक शॉटगन मशीन लोड करती है अपने अंदर 2563 TNTs, और ऐसी मेरे पास 5 से 6 मशीन लोडेड पड़ी है, यानी कि तबाही ही तबाही। तो दोस्तों, अभी टाइम आ चुका था लॉयल SMP की सबसे बड़ी तबाही को प्रारंभ करने का। ओके दोस्तों, सो नाउ इट्स टाइम टू अटैक। या आप लोग देख रहे होंगे कि इनका बेस ऑलरेडी थोड़ा बहुत फूटा हुआ है, या आई नो जब मैं उनके बेस पे TNTs प्लांट कर रहा था तब क्रीपर आया और उसने ये हाल कर दिया, बट बाकी का जो बचा हुआ बेस है वो अभी जाने वाला है। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स वन मोर टाइम, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ये जाएगा, एक बार देखो गाइस आप, ब्रो लेट्स गो, ये गया, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो दोस्तों, फुल धमाकेदार, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, फुल धमाकेदार चल रहा है गाइस, फुल धमाकेदार भाई, लिटरली। ये देखना, अब देखना भाई, ओपी, लिटरली ओपी भाई, क्या ही तो फोड़ रही है। चलो दोस्तों, तो अभी इनका ऑलमोस्ट आधा बेस तो मैंने फोड़ दिया है, तो अभी टाइम है कॉपी भाई को बुला के उनका रिएक्शन लेने का, कि हम क्या कर रहे हैं आपके बेस पे। हेलो कॉपी भाई, कैसे हो आप? हेलो युग, आपके लिए इतना मजेदार सा सरप्राइज रेडी किया है ना, आज तो आपको दिखाना है वो सरप्राइज। क्या है भाई, रुको, खुल रहा है गेम। okay. इसे कुछ कर दिया क्या? नहीं भाई, अरे सरप्राइज है, बोला है ना मैं रिश्ता लेके आया हूँ। ओके, ओए तुम्हें कैसे मिला ये बेस? अबे गिम्बी टी देखो, क्या हुआ? गिम्बी टी देखो, मेरे स्क्रीन शेयर देखो, सरप्राइज। ये अरे भाई, ये क्या? अबे ये तो किसी को मैंने आज तक वीडियो में भी नहीं दिखाया था, हमने किसी ने भी किसे। अबे यार क्यों युग, क्यों सरप्राइज को भी? अरे यार क्या है, क्या चीज बना दिया, क्या चले जाओ भाई, जितना बचा कुछ है उतना तो बचा रहा। अबे क्या, क्यों कर रहे हो युग, फिर से मरना है क्या तुम लोगों को? कॉपी भाई, आपने बैन करके बहुत बड़ी गलती की थी, आपने बुल्स गैंग से पंगा लिया है। अरे यार दम है तो रोक के दिखाओ भाई, हम नहीं रुकने वाले, बुल्स गैंग भाई फूट चुका है भाई, पहले बुलाते तब रुकता ना आपके। अरे यार मर जाओ तुम भाई, आपका बेस कितना अच्छा लग रहा है ना अभी। हाँ भाई अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा कि एक बार आप इसको ऐसे ही रहने दो भाई, अच्छा लग रहा है, मैं तो सही बोल रहा हूँ। वाह भाई क्या था, क्या बना दिया, किसे मिलता है भाई इनको बेस? भाई तुम्हें लग रहा होगा ना तुमने क्या ही उखाड़ लिया इसको तोड़ के भाई, बट ये उतना हमारे लिए कीमती भी नहीं था भाई, ये असल में एक इससे भी बहुत ज्यादा कीमती चीज है अपने पास, जो कि तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। ऐसी बात है या, इसको तो फर्क भी नहीं पड़ता भाई, ऐसे ही बना दिया था हमने मजे मजे में बातें कर करके। तो जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको फोड़ दूँ? क्या मतलब फोड़ दूँ भाई, मिलेगा ही नहीं तुम्हें जितना भी ढूंढ लो भाई। ये आपकी गलत फहमी है। क्या बात कर रहे हो, अभी किधर हो तुम युग? उड़ने वाला है, किधर हो तुम युग? मैं नहीं बता रहा। अबे भाई मत करो युग प्लीज, क्या चाहिए बताओ? कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए। अरे भाई मिलने वाला है अभी, यही चाहिए क्या? यही चाहिए मेरे को। अरे यार मत करो ना यू, किधर हो तुम वैसे? तुम बुला लो भाई, जिसको बुलाना है बुला लो, अब नहीं बचा, अब कोई नहीं है भाई, अब किसे बुला लो, कोई है ही नहीं सर्वर में। अरे मत करो युग, मत करो, विलेजर्स आपके मार रहे हो। अरे यार प्रोटेक्शन वाले, और ये मैंने बटन भी लगा दिया। अरे भाई किधर हो तुम भाई,
इधर हो यू आई एम सॉरी कॉपी भाई, ये आपको बंदा ये आपको वॉर में धोखा करने से पहले सोचना चाहिए था। अबे धोखा किधर है अपना बेस, फूट चुका है क्या? बेस ही तो है, फोड़ दिया। अरे ये क्या कर दिया युग, गया आपका बेस कॉपी भाई, सारा आपका बैकअप आर्मर मेरे पास, जो भी मेरे को आपका बैकअप का अच्छा लगा वो तो मैंने लूट लिया, बट जो मेरे काम का नहीं था आपके काम का था वो मैंने फोड़ दिया। अरे भाई किधर चले गए तुम यार, फिर भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, मेरे टीममेट्स भाई वार में मारे हमने तुम्हें, थोड़ी ना पंगा होता है वो वार में, तो लाइक फाइट होता ही है। नहीं नहीं कॉपी भाई, ये बहुत गंदा किया आपने हमारे साथ पंगा लिया, बुल्स गैंग के साथ पंगा लिया था। मेरे को आप दिख रहे हो, मैं आपको अभी पेल सकता हूँ, बस बहुत तगड़ा सामान है, पर मैं आपको नहीं मारूंगा कायरों की तरह, हम मारेंगे तो सीधा बता के मारेंगे कि कॉपी भाई हम आपको मारने आ रहे हैं। कहाँ पे हो कॉपी भाई, एक बार यहाँ पे हो, अभी तो बोल रहे थे दिख रहा तुम्हें। कॉपी भाई सब कुछ फूट चुका है आपका, बुल्स गैंग ने आपसे रिवेंज ले लिया है। भाई तुमने अच्छा नहीं किया युग, मैं अकेला हूँ इसीलिए तुम अभी बच रहे हो, जब मेरे टीममेट्स आएंगे बहुत पछताओगे तुम लोग भाई। अच्छा ऐसी ऐसा मौका लाऊंगा कि आपके टीममेट्स होंगे और मैं अकेला होऊंगा फिर भी आप कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई चलो तुम्हें बाय बाय। So, मैं कॉपी को इस वक्त मार सकता था, बट मेरा मोटिव उनको मारना नहीं था, तो मेरा मोटिव था उनको ये दिखाना कि एक बुल्स गैंग का मेंबर उनकी क्या हालत कर सकता है। चैड गैंग तुम्हें क्या लगता है, ये यहीं पे खत्म हो गया है? नहीं नहीं पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। To get the coordinates of the Chad gang, you have to betray your team and become my secret agent. Sign करो भाई। Sign and close. Here you go.